राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला का विवाद तोल पकड़ता जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने के पानी, खाने की गुणवत्ता और क्लासरूम में सुविधाओं की कमी को लेकर कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर छात्र का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। छात्रों का कहना है कि जितनी फीस यूनिवर्सिटी ले रही है उसके बदले सुविधाएं ना के बराबर दे रही है। छात्रों की मूलभूत सुविधा मांगे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों एसके चौधरी, शिवा रमण, उज्ज्वल व पाखी जैन का कहना है कि लाखों की फीस खर्च करने के बावजूद उन्हें घटिया खाना परोसा जा रहा है। पीने के पानी की भारी किल्लत है, इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। छात्रावासों के कमरों में पर्दे, पानी और कपड़े धुलाने की कोई सुविधा भी नहीं है। मेडिकल सुविधा तक यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी नहीं दुकान चल रही है। यूनिवर्सिटी में 400 छात्रों के लिए मात्र एक बस है। आरटीई तक की सूचना यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। यूनिवर्सिटी हर साल 2,27,500 रुपए फीस ले रही है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर हैं। हमारा स्ट्राइक का 10th डे है। हमारे उनमें से मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर एड्रेस्ड, बट जो बेसिक इश्यूज थे वो जो नॉन एड्रेस्ड रह गए वो है क्रिएशन ऑफ अ स्टूडेंट बॉडी और ट्रांसपेरेंसी इन द एकेडमिक फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तीसरा सर अनएड्रेस्ड रह गया हमारा डेडिकेटेड स्टाफ एज अ वार्डन, और एक जो सर फॉरमोस्ट इश्यूज थे बेसिक फैसिलिटीज, उनमें सर कई इश्यूज ऐसे हैं जो मैम दूसरों के मत्थे गढ़ना चाहते हैं और बोलते हैं कि ये इश्यूज तो थर्ड पार्टी पे डिपेंड करेंगे, वो जब करेंगे तब हम ये कर पाएंगे। तो बीइंग एट एन वाइस चांसलर पोजीशन, मैम उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं कर पा रहे, ये हम मैम को पूछना चाहेंगे। मांगे हमारी यही थी कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक नेसेसिटीज सुधारी जाए, वाईफाई हो गया, पानी हो गया, जो मैस की पैथेटिक कंडीशन है वो सुधारी जाए। हालांकि मैस के ऊपर इन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हम आपके मैस का कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट कर देंगे और जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको हम नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एड्रेस करेंगे। बट सर जो अनएड्रेस्ड इश्यू हैं वो उसमें ट्रिपल इश्यूज हैं बेसिक नेसेसिटीज के, हाइजीन के, हॉस्टल में गंदगी इतनी फैली है उसको साफ कौन करेगा, जो इनका क्लीन करने वाला स्टाफ है या पीएन स्टाफ है वो इतना कम है कि वो साफ सफाई डेली बेसिस पे नहीं कर पाता। एक स्टूडेंट बॉडी की क्रिएशन की हमने मांग की थी, जो कि हमने जो मैम ने बोला कि ईसी की अप्रूवल के बिना नहीं होगा, तो हमने मैम को बोला कि जो हमारा सेक्शन 31(8)(g) है उसके अंदर जो मैम को अनफेटर्ड पावर कंफर्म की गई है कि अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर इमरजेंसी होती है तो मैम अपनी अनफेटर्ड पावर एक्सरसाइज करके कोई भी इंटरिम बॉडी या कुछ भी जो रेलेवेंट हो उस सिचुएशन को लेके फॉर्म कर सकती है, बट मैम ने उसको भी डिनाई कर दिया। सर इन्होंने जो नोटिस इश्यू किया था 8 दिन का वो कल आज खत्म हो गया था। आज हमारा फर्स्ट डे क्लास लगनी थी, बट सर जब हमारे इश्यूज अनएड्रेस्ड रह गए तो बच्चों ने क्लास में बैठने से मना कर दिया सर।